कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी नहीं, आज ही आया है ये ख्याल कि यार क्या होगा अगर हम सोडियम मेटल खा जाए। हाँ मैं आज सोडियम मेटल खा के ट्राई करने वाला हूँ। झूठ बोल रहा है। हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि यार सोडियम मेटल को अगर मैं खा गया और मुझे कुछ हो गया तो फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट का वीडियो कौन बनाएगा। इसलिए यार सोडियम मेटल को मैं खाने वाला नहीं हूँ और आज इसे हम ट्राई करेंगे एक प्रैक्टिकल से। तो अगर हम सोडियम मेटल खाएंगे तो पहले हमारे मुंह से जाएगा और मुंह में हमारे होता है पानी, तो पहले हम इसे पानी में ट्राई करके देखेंगे कि कितना समय लगता है इसको रिएक्शन करने में। तो एक छोटा सा टुकड़ा मैं डालता हूँ इसमें पूरी सेफ्टी के साथ, छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे इसका सोडियम का। और यहाँ पर मैं एक घड़ी में टाइमर चला देता हूँ ताकि पता चल जाए कि कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर टाइमर चला दिया है और अब इसमें मैं सोडियम मेटल डालता हूँ और फिर पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों आपने देखा कि सोडियम को रिएक्शन करने में लगता है कम से कम 10 सेकेंड। तो फिर अब हम जैसे तरह से सोडियम को निगल गए तो अब बारी आती है हमारे पेट में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो हमारे पास क्लोरिक एसिड तो नहीं है, लेकिन मेरे पास है तन्यू सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम इसमें ही ट्राई करेंगे कि सोडियम की क्या रिएक्शन होती है। तो चलो यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक कांच की गिलास ले ली है और उसमें अब मैं डाल रहा हूँ तन्यू सल्फ्यूरिक एसिड। और अब इसमें मैं डालूंगा सोडियम मेटल। तो मैं इसमें डालने वाला हूं सोडियम मेटल। 1 2 3। आपने देखा कि कैसा एसिड में ब्लास्ट हुआ। तो मतलब अगर हम इसे निगल गए सोडियम को तो हमारे पेट में भी ऐसा ही ब्लास्ट होगा और हम खत्म। तो ऐसा कुछ ट्राई करना ही नहीं है हमको। आपको क्या काम है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।